ओके जी, वेलकम बैक। जी आ चुके हैं लौट के वापस, आरजू मलिक आपके साथ मौजूद है हेलो संडे प्रोग्राम में। ओके जी, आ चुके हैं हम लाइव और सभी देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद एंड गुड मॉर्निंग सबको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टॉपिक आज के शो का क्या है, और मेरा टॉपिक है कि मेरे आजकल के लोगों से एहसास क्यों खत्म होता जा रहा है और लोग डबल फेस क्यों होते हैं। एहसास पे बात चल रही है कि लोगों में से एहसास क्यों खत्म होता जा रहा है। हम दूसरों को तकलीफ में देख के उनका एहसास क्यों नहीं करते, उनकी मदद क्यों नहीं करते, उनकी क्यों नहीं पास जाते, जो भी है, लेकिन लोग डबल फेस क्यों होते हैं, दूसरा सवाल ये भी है। आप बताएं 0537619611 पर कॉल करें, लाइव देख रहे हैं तो मेरा सारा कुछ आपको सच 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 शो हो रहा होगा, नंबर भी शो हो रहा होगा, टॉपिक भी शो हो रहा होगा, तो वहां पे आपने जी की बात करनी है। अभी हम कॉलर से बात कर रहे हैं, लाइव चलते हैं और फिर मजीद हमारे कॉलर से बातचीत करते हैं। लाइव मौजूद है हम, हर शाला हर किनारा हर कलर है। आगे देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैगम कुंजा से। जैगम अस्सलाम बात कर रहा हूँ, कुंजा से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जैगम आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। कैसी गुजरी आपकी मॉर्निंग? बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। जबरदस्त जी। अच्छा जी, टॉपिक पे चल रहे एहसास पे बातचीत चल रही है हमारी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा टॉपिक है, अप्रिशिएट करूंगा आपको। शुक्रिया। मैं तो यही बोलूंगा कि इंसानियत का दूसरा नाम अगर होता तो एहसास ही होना था। बेशक, ठीक है। इंसान का बेसिक जो मकसद था, इंसान को तख्लीक करने का, कायनात में भेजने का, अशरफुल मखलूकात बनाने का, वो यही था कि उसके अंदर एहसास पैदा किया जाए दूसरी तमाम मखलूकात के लिए, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि चिरिंद परिंद जितने भी दूसरे मखलूकात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में वजूद में आया, सब के लिए एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डे बाई डे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे अंदर, इंसानों के अंदर एहसास जो है वो एक दूसरे के लिए खत्म होता जा रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसका रीजन ये है कि हम मतलब सिर्फ अपने आप तक महदूद हो गए हैं। हमने सिर्फ अपने आप को ही देखना स्टार्ट किया है कि हमारा फायदा हमारा नुकसान मतलब इस चीज में है। हम दूसरों का नहीं सोचते, ठीक है। हम मतलब दुनियावी चीजों के पीछे, दौलत के पीछे, पैसे के पीछे एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और वो दीन से दूरी भी है, ठीक है। दुनियावी मामलात में इतने मतलब बिजी हो गए हैं कि हम अपनी पहचान भूल गए हैं कि हम इंसान है, देन उसके बाद मुसलमान है, हमारे पास ड्यूटीज है अल्लाह तला की जात में। हमें मतलब इंसान के बारे में कि अल्लाह तला ने हमें अपना धंधा बनाकर जमीन पर दे देना, बिल्कुल, ठीक है। तो आज सलम की जात को स्टडी करें, जिन्होंने पत्थर खाने के बावजूद मतलब कोई शख्स आपको कत्ल करने के बाद वादे भी आता है तो आप उसको माफ करते हैं, पत्थर खाने के बाद भी आपको आपके मुंह से वाह निकलती है, तो वो हमारे लिए मतलब रोल मॉडल है नबी सलम की जात जो है। बेशक। तो यही कहना चाहूंगा कि नफ्सा नफ्सी के आलम में हम लोग एहसास को भूल चुके हैं, ठीक है। तो एहसास पैदा करना चाहिए, इसके लिए यही है कि हमें पहले अपने दिल को नर्म करना पड़ेगा, और दिल नर्म करने का तरीका यही है कि हम अल्लाह ताला की रात से रुजू करें, ठीक है। नमाज को कंटेंट जो है वो पढ़ें, सही, और जो हमारे मतलब कुरान शरीफ है उसको पढ़े स्पेशली तर्जमे के साथ तफसीर पर, और आज को स्टडी करें, ठीक है। तो ये मतलब चीजें जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब आपने सुनाया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मतलब हम लोग कर रहे हैं एक बंदे का नुकसान हो गया, हम खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत
बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, काफी दुख का मुकाम है। सही हो गया जगम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें की आपने, और आपको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा। माशाल्लाह बहुत खास पिक लेके हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके ऊपर सबको बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, इंडिविजुअली हम अपने आप को सही करें, क्योंकि अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरा शख्स भी ठीक होगा, फिर आपका अपना माशरा भी, सोसाइटी ठीक हो सकती है। पहले हमें अपने आप को बदलना है, अपने से शुरू करना है, बिल्कुल तब्दीली खुद से। बहुत शुक्रिया जगम, बहुत अच्छी बात, अल्लाह हाफिज। चले जी, जगम हमारा साथ दे रहे थे कुंजा से, आप कहाँ से हमारा साथ दे रहे हैं आप भी बताएं, और मुझे किसी ने मैसेज किया, मैं देखूं कौन हमें मैसेज कर रहा है। ओके जी, सलाम, आप ही कैसी हैं? मी हबीबा हूँ, मैं हबीबा हूँ उमर चक से, टॉपिक बहुत अच्छा है और टॉपिक बहुत अच्छा है, बात अच्छा, बात सेल से नहीं कर सकती, मैसेज पे बता देती हूँ कि कहते हैं कि नीम के पत्ते कड़वे कड़वे जरूर होते हैं, बट उसमें कीड़ा नहीं लगता, स्वीट स्वीट मीठे जरूर होते हैं बट उसमें कीड़ा लग जाता है। सो जो लोग नीम की तरह कड़वे होते हैं वो वो खड़े होते हैं, और स्वीट के तरह के जो होते हैं ना ऊपर से वो मीठे होते हैं, और अंदर से बड़े जड़े काट रहे होते हैं, और दूसरे रीजन। अच्छा, आपने शॉर्ट शॉर्ट लिखा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही सही तरह से। अच्छा जी, उन्होंने एंड पे लिखा है अल्लाह हाफिज, लव यू, आप ही सलाम टू आल। ओके जी, सलाम टू आल, आपको भी सलाम, बहुत शुक्रिया। आगे जी, नेक्स्ट भी हमारा साथ कौन कौन दे रहा है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कहा किसी ने हाय कहा, हेलो, आपको भी, आई एम कौन हूँ, नाजिया फ्रॉम गुलियाना, और क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप ही शो बहुत अच्छा है, सॉन्ग ना प्ले किया करें प्लीज, बात ज्यादा किया करें, और हमेशा खुश रहें आप ही, और आप ही और सबको सलाम, सना खान कह रही है। ओके जी, बहुत शुक्रिया सना, फेसबुक पे भी हमें हमारे बहुत से व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके कमेंट्स और फीडबैक में साथ साथ शामिल करती जाती हूँ। मंसूर अली ने इस्लाम भेजा, गुड मॉर्निंग कहा, और हैव अ नाइस डे, आई एम फ्रॉम दुबई। ओके जी, दुबई से बहुत शुक्रिया। वकास असलम ने कहा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, और ये जानती है कि शांटी गुल है। अच्छा जो भी है, माशाल्लाह इतनी प्यारी, मैं पहली दफा आया इधर, मुझे नहीं था इतनी प्यारी, अब पता नहीं क्या है। अच्छा जी, वकास असलम कहते हैं गुड मॉर्निंग, और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। असमत अवान ने भी गुड मॉर्निंग कहा, और कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आगे जी, उस्मान भट्ट कहते हैं के राहत का गीत नहीं लगाया कल आपने। अच्छा, मुझे सब कह रहे हैं गीत ना लगाओ, आप कहते हैं गीत लगाओ, मैं क्या करूं, लगाऊंगा ना लगाऊं। मैंने कल गाना लगाया था राहत का, आपने नहीं सुना होगा, वो आप कहीं काम चले गए होंगे ना, इस वजह से। एम अवैस ने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वापी गुड बॉडीग, क्या हाल है, और शो इज वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं रिश्ते एहसास के होते हैं, खुद के नहीं, अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी बेगाने होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और मलिक फिजान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शो आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया। और एम जवेद कहते हैं सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम हलील है, और आप ही कैसी हैं आप? जनाब भी साथ में लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आगे मैंने पूछा है रिश्ते आजकल के लोगों से एहसास क्यों खत्म होता जा रहा है, ये मेरा टॉपिक है, इस पे आप बातचीत कर भी रही है, आपकी कॉल्स को मैं शामिल करूंगी कमर्शियल ब्रेक से वापस आकर। कमर्शियल ब्रेक को बताते हैं शो का हिस्सा, फिर आते हैं लौट कर वापस। Tune for more.
अल-फसी होम्यो क्लिनिक अब एक कदम और आगे। अल-फसी पेन केयर सेंटर मोहनी रोड खारिया शहर का एक और एजाज डॉक्टर मियां समीर अख्तर राजा इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन पेन मैनेजमेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल रजिस्टर्ड पाकिस्तान। माहिरम राज छोड़ो पट्टो मोहनों के दर्द घुटनों के दर्द आधे सर का दर्द दर्द का कूल्हे से टांग तक जाना और हाथ पांव का सुन हो जाना ये तमाम अमराज के फौरी और मौसर इलाज के लिए तशरीफ लाएं। हर जुमत मुबारक को हर खास मौन का डॉक्टर साहब फ्री चेकअप करते हैं। अल-फसी पेन केयर सेंटर निजाम मदीना दसगा मोहरी रोड खारिया फीमेल स्टाफ की फौरी जरूरत है अभी कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाए। कॉन्टेक्ट नंबर 0320856677 एट 0300952677 0। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल बिन तारिक है और मैं तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल खारिया का मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। आगे जी आप लोगों के भी साथ साथ कबिट्स आ रहे हैं और कोरोना हमारा साथ दे रहा है। जब तक हम ब्रेक से वापस आते हैं आपके कमेंट्स को रीड करती हूँ। आती जी ने कहा खारिया का मौसम कैसा है। खारिया का मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है। धूप निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बस प्यारा है। अच्छा अस्मत अमन कहते हैं पोइट्री शामिल किया करें ना, पोइट्री शो नहीं है इस वजह से आपकी पोइट्री कम बेसी शामिल कर सकते हैं, सारी नहीं कर सकते। आप भी तो ढेर सारा इतनी भेज देते हैं ना, तो पोइट्री शो होता तो फिर जरूर शामिल करते। अयानली मुगल कहते हैं आपसे परसों रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्या मुरातब अली का सॉन्ग सुना दे कोई, या अताउल्ला का ये वाला बेवफा यू तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा। अच्छा मैं देखती हूँ अगर होते हैं चलाने तो फिर मैं चला देती हूँ। आती जी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आयान जी बोल कहते हैं अल्लाह पाक दा शुक्र है बिल्कुल फिट फाट मी। बहुत अच्छा, आप अपना सुनाएं कैसे मिजाज है। और मुख्तरमा आपकी कैसे मिजाज है मुख्तरमा आपके? और आई एम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम से। अच्छा किंगडम के किंगडम। कासिम मलिक नस्लाम भेजा, वालेकुम असलाम। राहत का सॉन्ग उन्हें भिजवाया। गुलाम सलवर कहते हैं, क्या कहते हैं आपका शो प्रोग्राम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अयान अली बुगल कहते हैं हमारा भी रीड कर ले कमेंट। अरे मैंने पढ़नी नहीं है कमेंट, पढ़ दी है। चले जी लाइव चलते हैं फिर। ओके जी वेलकम बैक, आ चुके हैं लौट कर वापस ब्रेक के बाद। आगे जी एहसास पे बात कर रहे हैं, कहाँ सो गए आप? अबे सबको बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करते आप आज? अच्छा जी कहते हैं रिश्ते एहसास के होते हैं, नाम के नहीं होते। ठीक हो गया। और देखते हैं जी कॉलर हमारा साथ दे रहे हैं, कौन कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। किसी बंद कमरे से आवाज़ ही, कौन कहाँ से? चले जी इतना ही सी, इतनी सी। चले जी ठीक हो गया। अपनी कॉल करें 0537606019 पर कॉल करें, 0302395979 पर व्हाट्सएप करें, www.facebook.com/shkfm97 हमारा फेसबुक पेज है जिसपे आप लाइव देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट तो कर रहे हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और साथ साथ आप टॉपिक पर भी बात करें, एहसास आजकल के लोगों से एहसास क्यों खत्म होता जा रहा है और लोगों के डबल फेस क्यों होते हैं। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और जितनी मिठास आउट ऑफ फैमिली में बिखेरते हैं उससे आधी मिठास वापिस आके पड़ती हूँ। कॉलर असलामुअलैकुम। वालेकुम
जी जी एक आयशा बेटी आती है काली आई थी गुजरात से आयशा जी जी हाँ जी तो उनको बेटी को सबसे प्यार स्पेशल जानकर बेटी तरफ से अस्सलाम वालेकुम ओके जी वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया हाफिज आगे जी कहते हैं कि जितनी मिठास आउट ऑफ फैमिली में बिखेरते हैं उससे आधी मिठास अपनों में बिखेरें तो रिश्ते कभी ना टूटें और हम लोग अपनी फैमिली की बातें बर्दाश्त नहीं करते और आउट ऑफ फैमिली की बातें बड़ी बर्दाश्त करते हैं अच्छी बात आई एम आयशा फ्रॉम कानिया वेरी गुड शो एंड गुड टॉपिक बहुत शुक्रिया आयशा क्या नाम था आशिता हाँ आयशा अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम आप ही जानी गुल हूँ आजाद कश्मीर कहाँ से मलगोत से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कल वाली आवाज अपना नाम बताइएगा अगेन आयशा गुजरात से आयशा मुगल आयशा कैसी हैं आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक आयशा क्या कर रही है अच्छा ओ आपकी कॉल क्यों कट गई अच्छा जी डिस्को दीवाने डिस्को दीवाने कभी कभी जुबान भी फंस जाती है डिस्को दीवाने अस्सलाम वालेकुम आप ही जान गुल आजाद कश्मीर से और कहती हैं कैसे हो आप शो बहुत ज्यादा अच्छा है और आज मेरा भी मेरा भी आपने आगे कुछ नहीं लिखा का वलीमा है और आप आज जो और आपके मम्मा जान को सलाम और अंकल रफीक हमजा उस्मान असरार और मुदस्सिर को भी सलाम जी ओके जी ग्रुप के तमाम दोस्तों को सलाम अरे किसका वलीमा था हमें तो सस्पेंस में डाल के चली गई का लिखा हुआ था आपका अपना था या किसी और का आगे जी मलिक नोमी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी नोमी भरा ओके जी वालेकुम अस्सलाम अयान अली मुगल ने क्या कहा अस्सलाम वालेकुम अगेन आयशा कैसी हैं आपकी कॉल कट गई थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक क्या कर रही है घर के काम आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपने ना आज एहसास की बात कर रही है तो बहुत ही अच्छा है उन्होंने मुझे अभी अभी अस्सलाम वालेकुम बोला मेरी तरफ से उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम हमारे अंकल को इसी तरह से तंदुरुस्ती अता फरमाए और इसी तरह हर कॉल हर मतलब शो में वो कॉल करते रहे और अपनी बेटी को इसी तरह दुआएं देते रहे चले टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगी मैंने कहा टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगी टॉपिक के हवाले से कॉल कट गई अगेन अच्छा जी चलें कोई बात नहीं आप दोबारा से ट्राई कर दीजिएगा नेक्स्ट कॉलर हैं और देखते हैं कौन है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ओए भाई जान कहाँ से वजीराबाद से हाँ जी आज आपकी आवाज को क्या हो गया बड़ी भारी भरकम आवाज आई है आपकी वो पता क्या नहीं मुझे नहीं पता बताएंगे तो पता चलेगा आपकी तरफ से भी एक आवाज आ रही है कि वो क्या एसी चल रहा है उसकी एसी चलने की आवाज होती है होती है वो अच्छा मेरे साइलेंट है बिल्कुल अभी हुई है खत्म अभी खत्म हुई है ना ये माइक की आवाज थी माइक साथ है हाँ माइक साथ है चले क्या कहना चाहेंगे बेजान आपने आज टॉपिक बहुत अच्छा रखा हुआ है शुक्रिया शुक्रन तो बात यहाँ तक है कि भाई भाई का एक साथ नहीं करता तो दूसरों का कैसे करेगा ऐसे ही है तो लोग तो है तमाशा ही तमाशा देखते हैं वो जो आप सारा जो देखा वो बता रही थी तो उससे ये होगा लोग सेल्फियां बना रहे होंगे हाँ बिल्कुल सेल्फियां वीडियो हाँ जी फॉरवर्ड कर रहे होंगे ये देखेंगे हाँ। आग लगी हुई है इंटरनेट पे शेयरिंग चल रही थी सुबह सुबह तमाशा ही लोग है ना बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल तमाशा देखने वाले हैं कोई हेल्प नहीं कर रहा
हाँ जी, मेरी आंखों के सामने एक दफा एक हादसा हुआ था। ये जो ट्रक होता है ना, जिनके ऊपर काफी बाइक होती है, हमने शोरूम वाली बाइक होती बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा ट्रक था, तो उसमें तीन मोटर बाइक पे सवार थे, मतलब एक लेडीज और दो मर्द थे। जी जी। वो मंगनी करने के लिए जा रहे थे, तो उस ट्रक ने उनको कुचल दिया था। अच्छा। तो मैंने अपनी आंखों के सामने उनकी वो हालत देखी थी, जान निकलते हुए। बच्ची तो वो मुझे जब भी कभी ऐसी बात सुनता हूँ ना, तो मुझे फौरन से वो सीन याद आ जाता है। तो वहाँ पे भी वही सिचुएशन थी ना, जब लोग अच्छे थे बहुत ज्यादा हो गए, किसी ने जल्दी से उठाया नहीं है कि कोई भी गाड़ी रोके और उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उसका इंतजार किया एम्बुलेंस का, वो 115 से कॉल करें, वहाँ पे करें, ये करें, वो करें। तो बिल्कुल हॉस्पिटल भी नजदीक थे, सब कुछ था। तो बाकी ये हम सफेद हो गए, इस पे क्या बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है, भाई को कतल कर रहा है जमीन की वजह से, जायदाद की वजह से। हर कोई बंदा जो है वो एक दूसरे के से आगे करने की कोशिश में जा रही है। ऐसे ही है। और लोगों के डबल फेस क्यों होते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? डबल फेस जिन लोगों के होते हैं, सामने कुछ और पीछे से कुछ और, किसी के सामने कुछ और, उनके अंदर अल्लाह का डर होप नहीं होता, उनका ईमान मजबूत नहीं होता, उनका ईमान कमजोर होता है। बस यही मैं कहूँगा। ठीक हो गया। इंसान के अंदर डर होप है, ईमान मजबूत है, उसके सामने करोड़ों रुपए भी आ गए तो वो अपना वो पैसों को नहीं देखेगा, वो अपना ईमान बचाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। तो आजकल के दौर में पैसे देख के लोग अपना ईमान बेच देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ईमान क्या, सब कुछ बेच देते हैं। ऐसे ही सही हो गया भजन। बहुत माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत ही प्यारा कर रही है, तब तक बहुत अच्छा आप लेके आई है। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई है। तो मेरी तरफ से अंकल जी को, जैगम भाई को, हमजा भाई को और ये जो पितर आशा है, इनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक इनको भी आंखों का नूर अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। और तमाम बहनों को मैं तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। आगे जी सलाम, आप ही जान कैसी हैं आप? और आई एम हिना फ्रॉम कोटला, प्लीज कहीं दीप जले सॉन्ग प्ले कर दें। और करना है, कल भी आप से रिक्वेस्ट की थी लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। और आई लव यू अपी, अल्लाह हाफिज। आगे जी अल्लाह हाफिज। कहीं दीप चले चले, कहीं दीप जले, चलता तो नहीं, जलता ही है लेकिन आई एम ट्राइंग। आगे जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? हमजा के मामू। हेलो, कॉल कट गई, चलें दोबारा से ट्राई करें। आगे जी फेसबुक पे हमारा बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं, उनके फीडबैक को भी मैं साथ साथ शामिल करती चलूं। और अच्छा जी, अयान अली मुगल ने कहा हमारी भी रीड करने कमेंट, मैं आपके कमेंट रीड करती हूँ साथ साथ। आतिश ने कहा एहसास के लिए, एहसास इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि इंसानियत खत्म हो गई है लोगों में से। और अदनान मोहम्मद ने कहा अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इटली। और कहिए वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ऐसे ही एहसास की कमी और इंसानियत की कमी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ आयशा, आपकी कॉल पहले भी कट गई थी। टॉपिक पे क्या कहेंगी? मैं टॉपिक पे यही कहना चाहूंगी, अपनी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमीर है ना ज्यादा, उनमें से एहसास खत्म होता है। जो गरीब है उनमें आज भी एहसास, उसकी तरह कमी है। अच्छा, अमीरों में से एहसास खत्म हो, लेकिन आपको कैसे लगता है? उनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो उस वजह से उनको लगता है कि हम दौलत के नशे में दूध कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके? बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ पे जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो गरीब को कुछ समझता नहीं है। गरीब क्या है, सुबह से लेकर शाम तक भूखा बेचारा मरता रहे, लेकिन जो गरीब है उसके सामने हवाई पैसे भी उड़ा दिए ना, तो उनको एहसास नहीं होता कि हम जो हवाई पैसे इस तरह उड़ा रहे हैं, हमें चाहिए जैसियां खा रहे हैं, हमें चाहिए जो गरीब खाना नहीं खा रहा है उसे दे दें ताकि वो रात का खाना खा के सो जाए। एहसास तो इस चीज का नाम है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, सोचे कोई तब ना, किसी के पास टाइम भी नहीं सोचने का।
मेरी आवाज कम आ रही है? मैंने कहा कोई सोचता नहीं है ना, लोग सोचे इस चीज को तो फिर आएगी ना ये चीजें और बेदार करने से। क्या पैगाम देना चाहेंगी सुनने वालों को? सबको चाहिए कि सबका साथ दिया जाए, क्योंकि अगर मैं हूँ तो मेरा एहसास मेरे घर वाले नहीं ना करेंगे तो मेरा पैसे से भी कोई एहसास नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। कुछ लोग घर से दुत्कारे होते हैं, फिर दुनिया भी उनके साथ वैसे ही करती है, फिर वो लोग जानबूझ के हम माशरा भी कुछ लोगों को खराब कर देते हैं। सही हो गया आयशा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, तो आज आपने सुन रही थी ये बात है ना, मतलब कोई किसी की तरफ देखता नहीं है। अगर आज हम किसी का एहसास नहीं करेंगे तो कल को हमारा कोई एहसास नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सही हो गया, बहुत शुक्रिया आयशा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, फेसबुक आती जी कहते हैं कॉलर्स की आवाज़ बहुत कम आ रही है, स्लो आ रही है, वो कॉलर्स हमें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोलती हैं। वो मैं कल भी उनको कह रही थी आपकी आवाज़ यूट्यूबर्स जैसी है, यूट्यूब पर जैसी लड़कियां बोल रही थी ना वैसे ही, आप वैसे नॉर्मली भी ऐसी बोलती हैं या फिर जब कॉल वगैरह करती हैं तभी? वो कहती हैं कि मैं बोलती ऐसी हूँ, उनकी आवाज़ कम थी, बाकियों की ठीक आएगी आपको। चलो जी, ब्रेक को शामिल करते हैं, फिर आते हैं लौट कर वापस। जी फेसबुक वालों के कमेंट्स को रीड करते हैं, आप लोगों का फीडबैक भी मिल रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं जी कौन कौन कहां कहां से हमें ज्वाइन कर रहा है। आगे जी अदनान मोहम्मद ने सलाम भेजा इटली से, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अफजाल ने सलाम भेजा, वालेकुम सलाम। एंड यासिर मनी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और बहुत शो बहुत दैट वाई यासिर एंड फैजान फ्रॉम दुबई, ओके बहुत शुक्रिया। आजाद हुसैन कहते हैं गुड मॉर्निंग एफ एम 97, गुड मॉर्निंग आपको भी। और अयान अली ने कहा आपसे एक बात पूछनी थी कि मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स थे, अभी कोई पूछने वाली गल है, मैं क्यों दसा? मलिक नोमी कहते हैं अस्सलामुअलैकुम जी नोमी ब्रा। फरहद अहमद कहते हैं हाय सिस, आई एम फ्रॉम लंदन, जस्ट से हाय टू माय सिस एंड फैमिली इन कारिया बाजी नादिया हाला मुसरत एंड शानी अदनान। गुलाम सरवर कहते हैं दोस्तों के बारे में कहना आसान है, खुद को देखें कितना एहसास करते हैं रिश्तों का, ऐसा ही है। आती जी कहते हैं मैं फर्स्ट टाइम आपका शो देख रहा हूँ लाहौर से, ओके जी वेलकम कहते हैं आपको, आप नेक्स्ट भी देखा करें जरूर। और मोहम्मद बिलाल कहते हैं गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग। और असहर हाशमी कहते हैं सलाम अलैकुम सिस्टर, गुड मॉर्निंग। खारिया वालों पाक आर्मी को सलाम, आई एम असहर अब्बास फ्रॉम जाफरी फ्रॉम धोरिया। आती जी कहते हैं शो अच्छा है आपका, लाइव चलते हैं। वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी, खुश आमदी जी। और देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल सगीर, आपकी कॉल कट गई थी पहले, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी सेहत तबीयत आपकी? अंकल क्या कहना चाहेंगे टॉपिक पे?
जी जी सुनाए। सर पे दिल के वास्ते पैदा किया हजरत इंसान को, बेशक अल्लाह पाक के लिए कम मजे करो गए करो भैया ऐसा ही अल्लाह तारा ने सर पे दिल के वास्ते इंसान को पैदा किया उसके एहसास एहसास करने के लिए। लेकिन आज नशा बस्ती का दौर है, हर बंदा इस चुस्ती में खुद से उतर कहा ऐसे के दौर में लोग भागे चल रहे, किसी को किसी का एहसास नहीं है। अपने अपने आप से आप खुद सोचे तो दूसरे को एहसास से दूसरे को रास्ते से रोक सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अंकल आपको इसकी क्या वजह लगती है? बेशक इंसानों में एहसास की कमी है लेकिन वजह क्या हो सकती है? नफसा नफसी खुदगर्जी नफसा नफसी खुदगर्जी अपने मफादा दौड़ लगी हुई। सही हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे अंकल? وعلیکم السلام آمین بہت شکریہ اللہ حافظ آگے جی عمران بشیر نے کہا السلام علیکم ملک عمران پنڈی ہاشم باڑہ سے اوکے ملک نومی کہتے ہیں السلام علیکم عمران ملک صاحب اور ظہیر احمد کہتے ہیں شو نائس ہے اور عمران عباس نے کہا وعلیکم السلام اور آزاد حسین نے بھی نائس کہا آتی جی کہتے ہیں کالرز کی آواز لو ہے ٹھیک ہے آتی جی کہتے ہیں ویسے دوسروں کو کہنے سے پہلے اگر ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو باقی سب کو خود ٹھیک باقی سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عبداللہ عبدالحادی جولس والے کہتے ہیں ماشاء اللہ ویری نائس شو آپ کا ماسک کہاں ہے؟ اگر میں ماسک لگاؤں گی تو شو کون کرے گا؟ میرا ماسک میرے پاس پڑا ہوا ہے یہاں پہ اور اسٹوڈیو میں بالکل اکیلی ہوں بالکل اکیلی ہوں۔ اس وجہ سے میں اکیلے بیٹھ کے شو کر رہی ہوں تو ایک سے زیادہ بندہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا تو میں ضرور ماسک لگاؤں گی۔ میں باہر سے ماسک لگا کہتی ہوں مجھے بڑی فکر ہوتی ہے۔ جہانگیر جاوید کہتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ہی میں کھانیاں سے ہوں۔ اوکے جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آگے جی السلام علیکم باجی آپ کا شو بہت اچھا ہے خوش رہیں آپ ہی آپ کی ساری ٹیم کو سلام لولی گروپ کو سلام اور سسٹر انیلا جٹ کو سلام آئی ایم شعیب اختر فرام برنالہ سے اے جے کے سے اوکے جی بہت شکریہ۔ آگے جی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا نمبر نوٹ نہیں کیا 0537601961 پر کال کر سکتے ہیں 0302395979 7 پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں www.facebook.com/hkfm97 ہمارا فیس بک پیج ہے جہاں پہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ لائیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں لیکن کمنٹ کر کے ٹاپک پہ ضرور بات کریں۔ اوکے جی جہانگیر جاوید کہتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا؟ میں کھا دیا سو رشید مغل نے کہا السلام علیکم کیا حال ہے آپ بہت پیاری ہیں اور رشید مغل جہلم کینٹ پاکستان آرمی سے۔ اوکے جی شکریہ شکرن۔ آگے جی فہد احمد کہتے ہیں آپ ہی آپ کا شو بہت اچھا ہے اور میری سس اور فیملی آور فیملی کھاریاں میں ہے اور بہت شوق سے سنتی ہیں۔ اوکے جی بہت شکریہ سب کا سننے کا۔ اور آگے
बाकी जी हमजा बट ने हाय कहा हेलो। आदी जी कहते हैं आप पंजाबी में भी शो करती हो क्या? नहीं, पंजाबी मुझे आती सारी है लेकिन शो नहीं मैं करती, थोड़ी थोड़ी बिच क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा लुच तल लेती हूँ अपने उर्दू शो में पंजाबी का। आगे जी अब्दुल हादी कहते हैं हाँ पहन के रखा करें। आगे जी अब मैं शो मास्क पहन के करूँ, एक शो किया था। देखते हैं कॉलर होने चलो जी तुसी आन तो पहले ही चले गए। अच्छा जी ठीक है। आगे जी आदि जी कहते हैं क्या करें पंजाबी में भी, क्या करें पंजाबी में भी, पंजाबी में शो किया करूं? ओह टफ है। पंजाबी बोल लेती हूँ, शो नहीं होता, चले थोड़ा थोड़ा लूच तल लिया करेंगे। अच्छा जी अब्दुल हादी कहते हैं माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है और नाइस वॉइस आल आल आरजे को सलाम। ओके आल आरजे को सलाम, आल आरजे की तरफ से आपको भी सलाम, वालेकुम सलाम। और जी हमजा भट्ट ने कहा अमेजिंग शो है, बहुत शुक्रिया हमजा। अच्छा ये हमजा जो मैं समझ रही थी ना ये वही हमजा है, ये तो हमारे ऑफिस का अपना बंदा है हमजा, आरजे हमजा नहीं ये एक और हमजा है, हमारी टीम का हिस्सा, हमें सुन रहे हैं। टॉपिक पे बात करें जी हमजा, आप भी बताएं कि आजकल के रिश्तों में से, आजकल के लोगों में से, आजकल के इंसानों में से एहसास क्यों होता होता जा रहा है। हलील अहमद कहते हैं सलाम एंड हाउस डियर मी अगेन फाइन हमें। आती जी कहते हैं 11 बजे तक है क्या, 11 बजे तक है क्या शो? जी बिल्कुल 11 बजे तक है, अभी तकरीबन 15-16 बजे तक है। आगे जी हलील अहमद कहते हैं यू डिडंट यू वियर अ मास्क, आई हेल्ला मेरे मैंने नहीं पहना मास्क, पहन लूं। मैं बाहर जब जाती हूँ ना भीड़ की जगह में, मैं कह रही थी जब भी भीड़ में जाए तो मास्क पहन के जाए। मैंने थोड़ी देर पहले ये सारी प्रिकॉशनरी वायर्स या प्रिकॉशन सबको दे चुकी हूँ। अगर ये महबूबा सॉन्ग हारून की आवाज में हम सुन रहे हैं और मेरा सेकंड लास्ट लिंक है एहसास पे बात हो रही थी, कहते हैं क्या कहते हैं इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिले दुख कभी नहीं भूल पाता है, सही है। तो अपने दुख देते ही क्यों है अपने देखिए मैं आज बात कर रही थी डबल फेस होने पे भी, बहुत सारे लोग ना सामने कुछ और होते हैं पीछे से कुछ और होते हैं लेकिन हकीकत में वो कुछ और होते हैं, इसकी भी क्या वजह हो सकती है? आपने भी यकीनन देखा होगा, मैंने भी दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है, तो हमारे जितने भी देखने सुनने वाले हैं सब ने कहीं ना कहीं लोगों को देखा होगा कि सामने से भी लोग आपके साथ बड़े मीठे बने होते हैं लेकिन पीछे से वो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं, लेकिन ये उनकी कौन सी सेटिस्फेक्शन होती है, क्या उनको मजा आता है ऐसा करने में? मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, आपको आई है क्या? अगर आपको आई है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा रिश्तों में से इंसानों में से एहसास क्यों खत्म होता जा रहा है? अच्छा जी अंका रफीक कहती हैं किसी के मजे को किसी के मजे है ना कोई याद करके किसी को हेल्प नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे जी कमेंट भी आपके साथ साथ में रीड करती चलो। अच्छा जी आती जी कहते हैं अकेला बंदा क्यों पहने मास्क? हाँ जी बिल्कुल यही गलत तो मैं कह रही थी कि अकेला बंदा क्यों मास्क पहने। और कहते हैं सबको मास्क की पड़ गई है अब। हाँ बिल्कुल अभी भी सबको मास्क याद आया और मेरा ही याद आया क्योंकि मैं अकेली बैठी हुई हूँ। और भाई आप स्टूडेंट बाहर जाते हैं इतनी भीड़ भाड़ में आप मास्क लगाए कुछ ज्यादा जरूरत है, जब मैं अपना मास्क यहाँ पे मेरे बिल्कुल साथ है और मैं जब भी बाहर जाती हूँ मास्क एक नहीं दो लगा कर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, मेरी आवाज मुझे आ रही है?
अस्सलाम वालेकुम मनु, मेरी आवाज ना सुना रहे हो? चलो ठीक है। आगे जी उमर हलीम ने कहा अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। और हलीम मैंने कहते हैं व्हेन यू रीड द टेक्स्ट यू लुक्स अनकंफर्टेबल, यू से नहीं जी बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं मैसेज पढ़ती हूँ क्यों अनकंफर्टेबल हूँ मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से सारे मैसेज पढ़ती हूँ खुशी से पढ़ती हूँ। आगे फहद अहमद कहते हैं मेरी आपी ने अभी ऑन किया है सिस, प्लीज से अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पाकिस्तान एंड कारियां। फहद की बहन अस्सलाम वालेकुम, अभी अभी आपने रेडियो ट्यून किया है तो सलाम आया आपके भाई का, वालेकुम सलाम बोलिए फटाफट से चले। नवीद चौधरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है। और नवीद चौधरी मस्कत अमान से है। और सुंदर शाफेजी हाय कहते हैं, ओके जी हेलो। कमर्शियल ब्रेक का टाइम, कमर्शियल ब्रेक को बनाती हूँ मैं अपने शो का हिस्सा, फिर आऊंगी लौट के वापस क्योंकि लास्ट लिंक होगा उसके बाद, फिर आपके बाद टाटा बाय बाय करेंगे ना आपको, फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, ब्रेक को शामिल करते हैं फिर आते लौट के। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लास्ट दो हफ्ते जो है हमारे गुजरे हैं इसमें हमारे तकरीबन 955 केसेस पॉजिटिव हैं, जो कि बहुत ज्यादा है क्योंकि जो ये तीसरी लहर है पॉजिटिव रेशो बहुत ज्यादा है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे कोरोना के बचाव की खासी तदाबीर है, जैसे कि फासला रखें, एक दूसरे से फ्रेश वाली जगहों पे मत जाएं, रोजाना बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, पब्लिक गैदरिंग से अवॉइड करें, तो इससे हम लोग इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। बाय मेहरबानी घर रहें, अपने प्यारों के साथ सेफ रहें, शुक्रिया। बैंक आपसे कभी कॉल करके आपके अकाउंट का SMS, OTP या पिन नहीं मांगता। ओह माय गॉड, कभी आपके अकाउंट में कभी गलती से पैसे आते हैं जमा सरदार, 3737 से आया मैसेज किसी को फॉरवर्ड ना करें, कस्टमर रिमेंस मैसेज बाय इजी मैसेज। म्यूजिक पावर, 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 आगे जी खलीम अहमद कहते हैं वन यू पढ़ दिया मैंने पढ़ दिया। उमर हलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और फहद ने कहा मेरी भी मैंने पढ़ दिया। नवीन चौधरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, नवीन चौधरी मस्कत से। और उमर हलीम इनका भी पढ़ दिया मैंने मेरे ख्याल से। माशाल्लाह जी ब्लैक ड्रेस आप पर बहुत अच्छा लग रहा है और एंड वेरी नाइस शो, मैं पहनती जो ब्लैक सारे की सारी ड्रेस मेरे पास ब्लैक, और मेरे कंट्रास्ट भी हमेशा ब्लैक के साथ ही होते हैं, बस मैं क्या करूँ मुझे पसंद ही बड़ा। अच्छा मुदस्सर नईम फारूकी कहते हैं नाइस शो, और आतिफ जी कहते हैं ओके सीस, अच्छा किस बात का ओके सीस, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन आमीन। और इब्राहिम चौधरी कहते हैं ये है मीरपुर से, मीरपुर आजाद कश्मीर से, अस्सलाम वालेकुम वेलकम द शो, वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग। मुदस्सिर नईम फारूकी कहते हैं कि गोजरा मंडी बहाउद्दीन से हैं ये। और हलील अहमद कहते हैं नॉट यू से आई डॉट वॉइस ओ अच्छा आमिर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आप बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, हमें भी याद रखा करे, मैं टालीनाथ पार्क से हूँ, टालीनाथ पीके से अच्छा कंपनी से बात कर चौधरी अब्दुल रहमान ने छोटे छोटे दिल भेजे हैं ओके जी। और आतिफ जी कहते हैं अल्लाह हाफिज गुड बाय टेक केयर बाय बाय। दिलदार दिलदार अली शेर कहते हैं वेरी गुड शो, और मदरसा नईम फारूकी कहते हैं गुड मॉर्निंग जी। और आंटी जी आतिफ जी अच्छा बार बार इन्होंने ये डबल ए डाला हुआ है तो मेरे मुंह से आंटी निकलने लगता है, अभी बस निकल गया, आती जी हैं आप लेकिन आप आंटी जी बन गए अभी, टेक केयर का आपने शुक्रिया। और फहद अहमद कहते हैं रेडियो पे पर जा रहे हैं, रेडियो पर जा रहे हैं, हम रेडियो पे आपके लाइव कमेंट्स को पढ़ रहे हैं,
मोहम्मद खान बक्सी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, शो वेरी नाइस एंड कहाँ गया आपका मैसेज, वेरी नाइस फ्रॉम टांडो आदम सिंध से। ओए ये कैसा नाम आया, टांडो है आदम सिंध है कि सिंध है। चले मोहम्मद जमील कहते हैं और शानदा कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम। और हलील अहमद ने कहा लीव ऑल द थिंग्स नॉट साइड। अरे तुसी केड़ी इंग्लिश मारी जा रहे हो, पंजाबी बोलो थोड़ा, मनु पंजाबी दा सबक देने ना सारे तुसी इंग्लिश। मेकअप के बारे में क्या बात की इन्होंने। दिलदार अली शेर कहते हैं जब तेरा दीदार हो जाता है खुदा का कसम मेरे लिए ईद का दिन होता है। और किसको कहा आपने, दिलदार अली कहते हैं वीआईपी शो और तुम्हारे जैसा वीआईपी है। आई सुंदस कहती हैं आई मे ज्वाइन यू गाइस सून। ओके जी कॉल आप कर रही थी कि मैं तो ध्यान नहीं दिया। हाय आप ये कैसी हैं आप, और शो इज वेरी नाइस, मेरी सिस और कजन का कजन की बर्थडे है आज और प्लीज नोबो के साथ विश कर दे और सॉन्ग भी लगा दे अनम और सना के लिए सबा फ्रॉम हेल। किसकी बर्थडे है, अच्छा जी सबा है से उनके सिस्टर की बर्थडे है, चले आपकी बर्थडे पर विश करके आती है। सबा की बहन को हैप्पी बर्थडे चला दिया बर्थडे, ये क्या नाम होता है इसका चला दिया उन्हें। हैप्पी बर्थडे टू यू सबा की बहन, आप जिए हजारों साल, खुश रहें और हंसती मुस्कुराते रहें, अल्लाह करे ढेर सारे गिफ्ट आपको मिले और इनमें से आप थोड़े से गिफ्ट मुझे भी दे दें अच्छा नहीं रहने दें, आपको फिर दिल काट जाना है, आप रहने दें, आप सारे गिफ्ट खुद इंजॉय करें, आपको लंबी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती और माँ बाप के लिए बाय से सुकून बनाए, आपका आपका बहनों का प्यार हमेशा ऐसे ही सलामत रखे, आमीन। कहीं दीप चले गाने की आई थी मुझे फरमाइश, तो वो मैं ना आपका गाते गाना ना जाते हुए चलाती हूँ, ठीक है एंड पे, आपने कल से वो फरमाइश की हुई है तो वो गाना ना फिर मेरी बातों में काट लेना था क्योंकि मैं बातों में गाना नहीं चल रहे थे, फिर बातें करते हुए गाना चलाएंगे तो बातें कैसे करेंगे, आप गाना सुनेंगे कैसे, अच्छा मैं वो बाद में चला के जाती हूँ, ठीक है प्रोग्राम के बाद आप उसको इंजॉय कीजिएगा। अच्छा जी क्या कहते हैं मलिक नोमी कहते हैं उन्होंने पूछा जुदा होकर खुश हो हम ठहरे अनापस, कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह नोमी बड़ा सत्कार कर रहे हैं। मोहम्मद हान मक्सी कहते हैं बहुत थैंक्स एंड सुंदस कहती हैं एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब टू माय शॉर्ट अपनी प्रमोशन भी स्टार्ट कर हेड़ी हम ना प्रमोशन चलाने के ना पैसे लेते हैं, फ्री में कोई प्रमोशन नहीं होती भाई, हमारा तो कोई अपनी चीज भी रेडियो पे फ्री में नहीं चलती आदि जी कहते हैं वैसे मेरा नाम आतिफ है और ठीक है आतिफ आंटी आंटी जी आतिफ जी आगे दिलदार अली कहती हैं कि कहते हैं सिंध सॉन्ग सिंधी सॉन्ग लगा दो और आंटी नहीं आती जी मतलब पता चल गया तुसी आती जी नहीं हो आंटी जी नहीं हो आती जी हो। दिलदार अली शेर कहते हैं अब माशाल्लाह बहुत प्यारी हो और अल्लाह आपको बद नजर से बचाए आमीन। और सुंदर शफेजी कहते हैं रेडियो शो अच्छा पे करते हैं रेडियो शोज अच्छा पे करते हैं किन पूछ रहे हो चलो मेरी वैसे ना साइन आउट करने का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम आई एम शुएब अख्तर आपी मेरे भाई वकार की सालगिरह है उनको भी प्रोमो के साथ विश कर दे नवाजिश होगी ओ फिर आपको ना मुझे एक के साथ टरकाना चाहिए था चले दोबारा से प्रोमो चल गया लेकिन अब मैंने अपनी साइन अप कर देना है। आगे जी
शुएब अख्तर के भाई की तरफ से, शुएब अख्तर की तरफ से शुएब भाई को एफएम 97 की तरफ से ढेर सारी सालगिरह मुबारक, हमेशा से मुस्कुरात रहे, सदा सलामत रहे, आपका दिन हमेशा खुशियों भरा गुजरे, हर दिन ऐसा ही हो जिससे आज का दिन। और जी ये प्रोमो आपके भाई ने आपके लिए छुड़वा दिया है, मुबारक हो आपको सालगिरह। मेरी इजाजतों का भी टाइम है तो मैं आप चाह रही हूँ अब कॉल भी आनी, लेकिन आखिरी टाइम में कॉल मैं आपकी शो के बाद दूंगी। आपसे पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही है मुझसे सुंदर श्री, आपसे पूछ रही हूँ रेडियो शो तो अच्छा पे करते हैं, अरे आप रेडियो आए तो रेडियो से पूछ ले ऐसे और पूछते हैं। अच्छा जी, अब मैंने चाह दिया आपसे ज्यादा, तो जाते जाते यही कहूंगी क्या बना, अपना फेस एक ही रखें, लोगों के साथ सिंसियर रहें और आपस में एहसास प्यार ये चीजें बांटने की कोशिश करें, क्योंकि ये बांटने से बढ़ती हैं। जितनी नफरतें हम फैलाएंगे ना उतनी नफरतें बढ़ती चली जाएंगी और हम एक दूसरे से ऐसे दूर होते चले जाएंगे। कोई आपके साथ बुरा करता है उसके साथ अच्छा करके तो देखे ना, हो सकता है आपकी होता कुछ नहीं है कि हम बुरे के साथ बुरे बन जाते हैं, लेकिन हम अपनी अच्छाई के साथ किसी अच्छे को बुरे को अच्छा नहीं बनाते। हो सकता है आप थोड़ा सा अच्छा करें खुद को तो आप किसी बुरे को भी अच्छा बना दें, आपकी अच्छाई उसके अंदर कोई अच्छी चीज पैदा कर दे। चले जी, अब आपसे मांगने जाते जाते ये कहूंगी जहाँ खुश रहे, बातें हंसते मुस्कुराते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं, अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छा करें, अच्छे की उम्मीद रखें, कोशिश करें अगर कोई चेहरा मुस्कुराए तो उसके जवाब हो आपके जैसे कभी कोई आंख नम ना हो। अब नेक्स्ट सैटरडे संडे आपसे मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, डू हाफिज, मुला हाफिज, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय।